हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बास्केटबॉल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसके रूल्स, मेजरमेंट्स, हिस्ट्री, कप एंड ट्रॉफी, शब्दावलियों से रिलेटेड, यह पार्ट वन है। इसका पार्ट टू भी जल्द ही आएगा। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए आज के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल के सभी वीडियोज आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं, फ्री में आपको मैं सभी कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ। ऐसा कोई नहीं कर रहा है पूरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए और बेहतरीन तैयारी करिए फ्री में। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन, बास्केटबॉल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों, आप सबको पता है कि बास्केटबॉल के जन्मदाता आविष्कारक हैं डॉक्टर जेम्स स्मिथ। ये 1991 में अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में इन्होंने बास्केटबॉल को जन्म दिया, इसलिए इनको बास्केटबॉल का जन्मदाता पितामह कहा जाता है। एंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू है कि बास्केटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता कब हुई? तो बास्केटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता 1892 स्प्रिंगफील्ड कॉलेज अमेरिका में हुआ। एंड इसका आविष्कार कब हुआ? जेम्स स्मिथ ने किया 1891 में। दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में बास्केटबॉल की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित हुई? तो 1934 में नई दिल्ली में भारत में प्रथम बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, कौन से ओलंपिक में बास्केटबॉल पुरुष को शामिल किया गया? तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में बास्केटबॉल पुरुष को शामिल किया गया। एंड महिला को कब शामिल किया गया ओलंपिक में? तो 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल के प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता का नाम बताइए दोस्तों। तो वो है सरबजीत सिंह 1961। सरबजीत सिंह 1961। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि बास्केटबॉल खेल के प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों, अभी तक किसी को द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला गया, जो एक कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, बास्केटबॉल खेल की समय अवधि कितनी होती है? दोस्तों, यह 10-10 मिनट के चार क्वार्टर में होता है। 10-10 मिनट के चार क्वार्टर में होता है, ठीक है? तो 10-10 मिनट के चार क्वार्टर में होता है। एंड पहले दूसरे क्वार्टर के बीच में 2 मिनट और तीसरे चौथे के बीच में भी 2 मिनट। अब मध्यांतर जो है दूसरे तीसरे के मध्य, वो 15 मिनट का होता है। नेक्स्ट दोस्तों, बास्केटबॉल में इंडोर कोर्ट की छत की ऊंचाई कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में इंडोर कोर्ट की छत की ऊंचाई 7 मीटर होती है। जैसे कि दोस्तों, बास्केटबॉल में छत की ऊंचाई इंडोर कोर्ट की 7 मीटर, वॉलीबॉल की 12.5 मीटर एंड बैडमिंटन की 9 मीटर होती है। तीनों चीजें क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बास्केटबॉल के सेंटर सर्कल का व्यास कितना होता है? तो दोस्तों, जो सेंटर में सर्कल होता है ग्राउंड के, उस सर्कल का व्यास होता है 3.60 मीटर। एक क्वेश्चन आया भी था आपके केवीएस में। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो में बास्केट करने में कितने अंक प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो में बास्केट करने पर 1 अंक प्राप्त होते हैं। एंड दोस्तों, बास्केटबॉल में 3 पॉइंट क्षेत्र जो होता है उसके अंदर से बास्केट करने पर 2 अंक प्राप्त होते हैं। एंड 3 पॉइंट क्षेत्र के बाहर से बास्केट करने पर 3 अंक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के कोर्ट में
बैकबोर्ड की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो बास्केटबॉल के जो बैकबोर्ड होता है उसमें दो बोर्ड होता है, एक बड़ा सा बोर्ड, एक बीच में आयताकार दूसरा बोर्ड होता है जिसपे आपका रिंग लगा होता है, जो बास्केट लगी होती है। तो बैकबोर्ड की लंबाई कितनी होती है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई चौड़ाई होती है 1.80 मीटर लंबाई एंड 1.05 मीटर चौड़ाई होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के कोर्ट में रिंग की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों जो बास्केटबॉल कोर्ट से जो बोर्ड होता है उसकी ऊंचाई तो 2.90 मीटर होती है, लेकिन उससे कुछ बोर्ड के कुछ ऊपर होता है आपका रिंग, जो बास्केट की रिंग होती है, तो वो होती है आपकी 3.05 मीटर। बास्केटबॉल जो कोर्ट होता है उससे जो रिंग होता है उसकी ऊंचाई होती है 3.05 मीटर। और जब पूछेगा कि बास्केटबॉल बोर्ड की ऊंचाई कोर्ट से कितनी होती है, तो 2.90 मीटर, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकबोर्ड पर लगे रिंग का ब्यास कितना होता है? दोस्तों बैकबोर्ड पर जो रिंग होता है उसका ब्यास कितना होता है? तो 45 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों बास्केटबॉल गेम में फाउल कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों बास्केटबॉल गेम में तीन प्रकार के फाउल होते हैं। कितने? तीन प्रकार के फाउल होते हैं। वो तीन प्रकार के फाउल कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो बास्केटबॉल गेम में तीन प्रकार के फाउल होते हैं, एक पर्सनल फाउल यानी कि व्यक्तिगत फाउल, दूसरा होता है टेक्निकल फाउल यानी तकनीकी फाउल, तीसरा होता है खिलाड़ी फाउल यानी कि प्लेयर फाउल। ये तीनों फाउल होते हैं। व्यक्तिगत फाउल जैसे कॉन्टेक्ट फाउल भी बोलते हैं, इसमें धक्का देना, पकड़ना, रोकना यानी कि ब्लॉकिंग, मारना, कोहनी मारना, आक्रमक का साथी खिलाड़ी को रोकता हो उसे कहते हैं इलीगल फाउल। इस प्रकार व्यक्तिगत फाउल पांच होते हैं। एंड तकनीकी फाउल जो होता है टेक्निकल फाउल, इसको नॉन कॉन्टेक्ट फाउल भी कहते हैं, जैसे गाली देना, मिसबिहेव करना, आंखों के आगे हाथ लहराना, आंखों के आगे हाथ लहराना, कोहनियों को अधिक लहराना, रिंग पर लटकना, ऑफिशियल का अनादर करना, ये फाउल होते हैं आपके तकनीकी फाउल। एंड प्लेयर फाउल में आपका एक तीसरा होता है प्लेयर फाउल। इस प्रकार पांच व्यक्तिगत फाउल, दो तकनीकी फाउल और दो खिलाड़ी विहीन व्यवहार फाउल होने पर मैदान से उसको बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस ओलंपिक में बास्केटबॉल महिला को शामिल किया गया? अभी मैं जस्ट बताया हूँ पुरुष को शामिल किया गया था ओलंपिक में 1936 बर्लिन जर्मनी में, एंड महिला को शामिल किया गया 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट है निम्न में से किसका बास्केटबॉल से संबंध है? तो दोस्तों पंच का संबंध है मुक्केबाजी से, जंप सर्विस का है वॉलीबॉल से, गुगली का है क्रिकेट से, तो बैक कोर्ट का संबंध है बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है रोलिंग सब्स्टिट्यूशन किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों रोलिंग सब्स्टिट्यूशन हॉकी एंड बास्केटबॉल दोनों में होता है, तो ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल खेल की खोज का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों कि ठंड के मौसम में इंडोर एक्टिविटी प्रदान करना, कि इंडोर बैठ के आराम से अपना एक चार दीवारी के अंदर गेम खेलने का एक मनोरंजनात्मक खेल है बास्केटबॉल। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक खिलाड़ी न होने पर सबसे आसान शॉट कौन सा होता है? तो वो होता है ले ऑफ शॉट। कौन सा शॉट? ले ऑफ शॉट। नेक्स्ट है अगर रिंग के मध्य से एक लंबवत बिंदु कोर्ट पर चिन्हित की जाए तो उसकी दूरी अंतिम रेखा से कितनी होगी? तो उसकी दूरी होगी 1.575 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो चार्ज सेमी सर्कल कहां पर स्थित होता है? तो दोस्तों कई बार ये भी पूछा है कि नो चार्ज सेमी सर्कल किस गेम से रिलेटेड है? तो बास्केटबॉल से कहां पे स्थित होता है? तो जो बास्केट होता है उसके नीचे स्थित होता है नो चार्ज सेमी सर्कल, जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर होता है।
नेक्स्ट है प्रतिबंधित क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों जो प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है उसकी लंबाई चौड़ाई होती है 5.80 मीटर गुणे 4.90 मीटर, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी को विपरीत खिलाड़ी द्वारा घेरना कब माना जाता है। तो तब माना जाता है जब उसकी दूरी 1 मीटर से अधिक न हो, यानी कि 1 मीटर से कम की दूरी पर अगर वो खड़ा होगा तो उसको घेरना माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल खेल के संबंध में निम्न में से क्या गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर से बास्केट करने पर 2 अंक मिलते हैं, जबकि ये गलत है। प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत बास्केट करने पर ओनली 1 पॉइंट मिलते हैं, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, ठीक है। और सब सही होगा, यहाँ पे यही गलत हो जाएगा और सभी पॉइंट क्या होंगे, सही होंगे। तो यहाँ पे सही कौन कौन सा है, फ्रंट कोर्ट से बैक कोर्ट में पास दिया जा सकता है, 3 पॉइंट गोल एरिया के अंदर कोई तकनीकी फाउल होता है तो 2 फ्री थ्रो मिलते हैं, और 3 पॉइंट गोल फील्ड एरिया के बाहर से कोई फाउल होता है तो उसे हम 3 फ्री थ्रो देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क राइट है, यहाँ पे आंसर जो दिया है वो गलत है। नेक्स्ट है किसी खिलाड़ी को घेरने के लिए या गार्ड करने के लिए किस सिद्धांत को अमल किया जाता है। तो वह सिद्धांत है सिलेंडर सिद्धांत। सिलेंडर सिद्धांत किस खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल से, ठीक है। एक क्वेश्चन से 2-2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट बास्केटबॉल खेल के संदर्भ में इनमें से क्या गलत है, यहाँ पे आपको छाटना है क्या गलत है। कह है कि किसी वजह से खेल रुकने पर बॉल जिस टीम के अधिकार क्षेत्र में है उस टीम को साइड लाइन से थ्रो इन दी जाती है, राइट है। खा है ड्रिबल करने के पश्चात खिलाड़ी दोबारा ड्रिबल नहीं कर सकता, ये भी राइट है। पिवट किसी एक पैर पर ही बनाया जा सकता है, ये भी राइट है। पिवट किस खेल से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है, तो बास्केटबॉल से। तो यहाँ पे ग है कि इस खेल के एक अंपायर खिलाता है, नहीं दोस्तों इसमें 2 अंपायर खिलाता है, 1 रेफरी 2 अंपायर होता है, ठीक है, इसलिए आपका ग राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी को शॉट लेते समय विपरीत खिलाड़ी द्वारा व्यक्तिगत फाउल किया गया हो और उसी दौरान 24 सेकंड की घड़ी का सिग्नल बज जाए तो निर्णय क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कॉक कि 3 पॉइंट गोल एरिया के अंदर शॉट लिया जा रहा हो तो 2 फ्री थ्रो मिलेंगे, बात सही है। एंड 3 पॉइंट गोल एरिया के बाहर शॉट लिया जा रहा हो तो 3 फ्री थ्रो मिलेंगे, एंड शॉट बास्केट में परिवर्तित हो गया हो तो बास्केट नहीं माना जाएगा, ठीक है, और क्षेत्र के आधार पर 2 या 3 फ्री थ्रो दिए जाएंगे। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ए और बी टीम के 2 खिलाड़ी व्यक्तिगत फाउल कर दे और बॉल किसी के अधिकार में ना हो तो निर्णय में किसे थ्रो इन दिया जाएगा। तो दोस्तों जिस ओर बॉल पोजीशन इंडिकेटर का निशान होगा उसी ओर उसको थ्रो इन दिया जाएगा, उसी को, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्री थ्रो के दौरान एंड लाइन की तरफ से क्रमशः खिलाड़ियों का क्या स्थिति होता है। तो यहाँ पे होता है विपरीत खिलाड़ी, ठीक है, पहले विपरीत खिलाड़ी, फिर बीच में साथी खिलाड़ी, फिर विपरीत खिलाड़ी, ऐसे पोजीशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री थ्रो लेते समय आक्रामक टीम के कितने खिलाड़ी 3 पॉइंट गोल एरिया के क्षेत्र में रह सकते हैं। तो दोस्तों फ्री थ्रो लेते समय आक्रामक टीम के कितने खिलाड़ी 3 पॉइंट गोल एरिया में रह सकते हैं, फ्री थ्रो लेते समय, तो ओनली 3 खिलाड़ी रह सकते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी फाउल होने पर अंपायर क्या इशारा करता है। तो दोस्तों तकनीकी फाउल होने पर अंपायर करता है एक हाथ की हथेली दिखाकर दूसरे हाथ की एक उंगली लाकर टी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक मैच में एक टीम कुल कितने टाइम आउट ले सकती है। दोस्तों तो इसमें कुल 5 टाइम आउट, कितने पर टाइम आउट ले सकती है, कुल 5 टाइम आउट। कैसे, बास्केटबॉल में प्रथम हाफ 10-2-10 में 2 टाइम आउट और दूसरे हाफ 10-2-10 में 3 टाइम आउट, यानी कुल 5 टाइम आउट, एक एक मिनट का टाइम आउट होता है।
ठीक। नेक्स्ट है एक टाइम आउट कितने मिनट का होता है, कितने समय का, तो 1 मिनट का होता है। नेक्स्ट है दो हाफ के मध्य कितने मिनट का मध्यांतर होता है, दोस्तों 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं एंड 2 क्वार्टर के बाद तीसरा चौथा में मध्यांतर होता है, तो 15 मिनट का मध्यांतर होता है, कितना होता है 15 मिनट का। नेक्स्ट है थ्रो इन के समय अंपायर उस खिलाड़ी से ज्यादा कितनी दूरी पर रह सकता है, जो थ्रो इन कर रहा है उससे कितनी दूरी पर अंपायर खड़ा हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 4 मीटर की दूरी पर। नेक्स्ट है निर्धारित समय से कितनी अवधि तक टीम कोर्ट पर नहीं आए तो दूसरी टीम को विजयी घोषित कर दिया जाता है, तो 15 मिनट के अंदर यदि टीम नहीं आता है निर्धारित समय पर तो दूसरी टीम को विजयी घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अगर मैच टाई हो जाए और किसी एक टीम के 4 फाउल चौथे क्वार्टर में हो चुके हों तो 5 मिनट के अतिरिक्त समय में 4 फाउलों की स्थिति क्या होगी, तो दोस्तों अतिरिक्त समय में भी 4 फाउल यथावत रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में 38 क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है एंड इसका दूसरा पार्ट में उसके बहुत सारे रूल जो बाकी है आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे प्लेयर हो गए एंड उसके रिलेटेड टेस्ट हो गए एंड उससे रिलेटेड कप एंड ट्रॉफी हो गए, इस संबंधित क्वेश्चन होगा दूसरे पार्ट में। तो दोस्तों डेली बेसिस पे आप देखते रहिए मेरे साथ बेस्ट तैयारी के लिए। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर पूछिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों कि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री में ऐसा वीडियो बना रही हूँ, आपका भी दायित्व बनता है थोड़ा सा हेल्प करने का, तो वीडियो को शेयर किया कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप एंड दोस्तों में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।